हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं थिंक टेक्निकल। फ्रेंड्स, अगर आप एक टिकटॉकर हैं तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि टिकटॉक बंद होने के बाद काफ़ी सारे टिकटॉकर निराश हो गए थे, परंतु अभी आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक नया प्लेटफॉर्म आ चुका है जिस पर आप टिकटॉक की तरह शॉर्ट वीडियो डालकर अर्निंग भी कर सकते हैं। वो भी थोड़ी बहुत अर्निंग नहीं, आप 1 मिलियन से भी ज़्यादा कमा सकते हैं, वो भी एक दिन में। वो एक नया प्लेटफॉर्म है और उस पर आप टिकटॉक की तरह शॉर्ट वीडियो डाल सकते हैं। तो अगर आपको भी जानना है वो कौन सा है नया प्लेटफॉर्म जिस पर आप शॉर्ट वीडियो डालेंगे और आपकी अर्निंग होगी, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप देख पाएं। फ्रेंड्स, स्नैपचैट ने एक ऐसा फीचर लॉन्च किया है जिसे आप टिकटॉक की तरह यूज कर पाएंगे, यानी कि टिकटॉक की तरह आप वीडियो अपलोड करेंगे और आपकी अर्निंग होगी। हाँ दोस्तों, जिस पर आप शॉर्ट वीडियो डालकर क्रिएटिविटी दिखाएंगे और उससे आप 1 मिलियन से भी ज़्यादा कमा सकते हैं एक दिन में। स्नैपचैट ने ये बहुत ही अच्छा फीचर दिया है अपने यूज़र के लिए, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि टिकटॉक बैन होने के बाद भारत में बहुत सारी ऐप हैं परंतु वो सही से वर्क नहीं करती हैं और उनसे आपको कोई अर्निंग भी नहीं होती है। परंतु स्नैपचैट ने ये फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है स्पॉटलाइट। इस फीचर के जरिए आप शॉर्ट वीडियो डालेंगे, अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे और उसके बाद स्नैपचैट आपको मनी पे करे, यानी कि अब आप कमाई भी कर पाएंगे शॉर्ट वीडियो अपलोड करके। तो बहुत ही अच्छा फीचर दिया है स्नैपचैट ने अपने यूज़र के लिए। अगर आप भी डालना चाहते हैं वीडियो तो आप जल्द से जल्द स्नैपचैट डाउनलोड कर लें। अगर आपने पहले से डाउनलोड कर लिया तो स्नैपचैट को अपडेट कर लें, उसके बाद इस फीचर का आप यूज़ कर पाएंगे। तो कैसा लगा ये फीचर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि आने वाली हर वीडियो आप देख पाएँ। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।